हाल ही में 1 सितंबर को मणिपुर के कोत्रुक विलेज जो कि इम्फाल ईस्ट में है वहां पर ड्रोन अटैक्स हुए। यह पहली बार है जब मणिपुर में ड्रोन से हमले हुए हैं जिसमें 2 लोगों की मौत और लगभग 9 लोग घायल हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम मणिपुर में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या है इसके रीजंस जो कि 1.5 साल से चल रहे ये कॉन्फ्लिक्ट अभी तक खत्म नहीं हुए हैं और हम यह भी जानेंगे कि कैसे मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट में म्यांमार और चाइना इनडायरेक्ट रोल निभा रहा है। हम इस वीडियो में कॉन्फ्लिक्ट के हिस्ट्री, पॉलिटिकल फैक्टर्स और म्यांमार से आए ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर भी फोकस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा कि मणिपुर में क्या चल रहा है और क्यों अब तक इसके सॉल्यूशंस नहीं निकल पाए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आपको मणिपुर में चल रहे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के बारे में भी पता चलेगा। थर्ड में 2024 की डाटा देखे तो मणिपुर में अब तक 1500 लोग इंजर्ड, 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड और लगभग 226 लोगों की जाने जा चुकी है। यह तो हुए ऑफिशियली अनाउंस डाटा, अनऑफिशियली नंबर इससे भी कई ज्यादा है। मणिपुर का इतिहास ब्रिटिश रूल के समय से ही एथनिक डिवाइड के साथ रहा है। 1891 में जब एंग्लो मणिपुर वार हुए उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हिल ट्राइब जैसे नागास और कुकीज को मैतेई कम्युनिटी से अलग रखकर रूल किया। ब्रिटिशर्स हिल ट्राइब को उन्हीं के चीफ के थ्रू गवर्नेंस करते थे जबकि वैली का कंट्रोल मैतेई किंग के पास था। यह डिवाइड ग्रेजुअली और गहरा होता गया और इंडिपेंडेंस के बाद तक कंटिन्यू रहा। 1917 से 1919 के कुकी रेवोल्यूशन के समय कुकीज ने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय ब्रिटिश कॉन्स्क्रिप्शन पॉलिसीज के अगेंस्ट था। ब्रिटिश ने रेबिलियन को क्रश किया लेकिन इसके बाद हिल ट्राइब्स और मैतेईज के बीच एक और बड़ा कल्चरल और पॉलिटिकल डिवाइड बन गया। उसके बाद 1947 में देश आजाद होता है और 1949 में मणिपुर ऑफिशियली इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाता है लेकिन इसके बाद भी हिल ट्राइब्स और वैली कम्युनिटीज के बीच का डिफरेंस खत्म नहीं होता है। हिल एरियाज के कुकीज और नागास को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलता है जो कि उनको स्पेशल लैंड राइट्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। वहीं मैतेईज को सिर्फ वैली का कंट्रोल दिया जाता है जो कि एरिया में तो कम था लेकिन पॉलिटिकल पावर उनके पास ज्यादा थी। फिर 1960 के मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट ने ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल लोगों को बेचने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया जिसने मैतेई पॉपुलेशन को और अलग कर दिया। इसके अलावा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी मेजोरिटीज मैतेईज का कंट्रोल था। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट में 40 सीट मैतेई के पास है और बचे हुए 20 सीट ट्राइबल के पास है। हिल एरियाज के कुकीज और नागास ने यह महसूस किया है कि स्टेट का पूरा डेवलपमेंट इम्फाल वैली तक ही सीमित है और उनके वहाँ कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहे। कुकी लोगों का कहना है कि वो वैली एरिया में जाना नहीं चाहते हैं पर उनको अच्छे एडुकेशन, हॉस्पिटल फैसिलिटीज जैसे सुविधाओं के लिए जाना पड़ता है। 2012 से एक और पॉलिटिकल डिमांड ने टेंशन को बढ़ा दिया जब मैतेई कम्युनिटी ने शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग उठाई। मैतेईज को यह लगने लगा था कि अगर उनको एसटी स्टेटस मिलता है तो उनका रीजनल और लैंड राइट्स का एक्सेस बढ़ेगा लेकिन इस डिमांड ने हिल ट्राइब जैसे कुकीज और नागास को नाराज कर दिए क्योंकि उन्हें लगा कि यह मैतेईज का उनके ट्राइबल एरिया पर कब्जा करने का एक तरीका है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि मैतेईज लोग एसटी स्टेटस पाने के लिए इतना डिमांड क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1960 जिसमें कहा गया है कि नॉन ट्राइबल लोगों को ट्राइबल लैंड नहीं बेचे जा सकते हैं, सारा खेल इसी एक्ट का है। मैतेईज जो कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और बाकी के ट्राइब जैसे कि नागा, कुकी आदि एसटी ट्राइब में आते हैं और इस एक्ट का कहना है कि जो भी एसटी कैटेगरी में है उनको कहीं भी लैंड परचेस करने का राइट है। इस राइट को पाने के लिए मैतेईज पीपुल एसटी कैटेगरी का दर्जा लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि यह मांग सीधे 2012 से उठ रही है, यह मांग पहले भी 2 बार मैतेई के द्वारा उठाई जा चुकी है। एक बार 1982 में और दूसरी बार 2001 में, तब इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया था लेकिन 2012 के बाद कई बार प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुए जो 2023 आते आते अपने पीक पर पहुंच गई थी जब ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च के बाद मणिपुर पूरी तरह से एथनिक राइट्स में गिर गया।
इस मार्च में कुकीज ने मैतेई के एसटी डिमांड का विद्रोह किया, जिसमें कई लोग मारे गए और 60,000 से ज्यादा लोग अपने घर से बाहर हो गए। मणिपुर की जियोग्राफी और पॉपुलेशन डायनेमिक्स भी इस कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा कारण है। पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट हिली एरियाओं से घिरा हुआ है और मणिपुर के जियोग्राफिक एरिया को देखें तो मणिपुर 90% हिली एरियाओं से घिरा हुआ है और सिर्फ 10% ही वैली है, या फिर ऐसा कहें कि प्लेन एरिया है। इम्फाल ही वो एरिया है जो 10% में आता है, जहां लगभग 57% पॉपुलेशन रहती है, जिसमें मेजोरिटी में मैतेई कम्युनिटी रहते हैं और बाकी के 90% एरिया में 43% पॉपुलेशन रहती है। इन 43% में 34 ट्राइबल ग्रुप आते हैं, जिसमें नागा और कुकी ट्राइब मेजोरिटी में है। अगर देखा जाए तो वैली रीजन प्रीडोमिनेंटली हिंदू मैतेई का है, जबकि सराउंडिंग हिल एरियाज में क्रिश्चियंस, कुकी और नागास रहते हैं। इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ने रीजनल और पॉलिटिकल इम्बेलेंस को और ज़्यादा खराब कर दिया। अगर हम 2011 की सेंसस को देखें तो मणिपुर की पॉपुलेशन लगभग 2.8 मिलियन थी, जो बढ़कर 2023 तक 3.5 मिलियन हो गई है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अब भी वैली में कॉन्सेंट्रेटेड है। म्यांमार का मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट में एक इनडायरेक्ट लेकिन बहुत बड़ा रोल है। म्यांमार के साथ मणिपुर का पोरस बॉर्डर काफ़ी वल्नरेबल है और यह विद्रोहियों के एक्टिविटीज़ का एक हब बन गया है। मणिपुर म्यांमार से लगभग 398 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और जब भी म्यांमार में कुछ भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो वहाँ के लोग भागकर मणिपुर और मिजोरम जैसे नियरेस्ट इंडियन स्टेट में चले जाते हैं। ऐसे ही कुकी मिलिटेंट्स का हमेशा से म्यांमार के इथनिक ग्रुप के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहा है, जो आर्म्स और इंसर्जेंसी को बढ़ावा देते हैं। म्यांमार के रीजन्स में जो कुकी मिलिटेंट्स ऑपरेट करते हैं, उन्होंने मणिपुर में भी इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया है। मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट में आर्म्स और वेपन्स का इलीगल स्मगलिंग म्यांमार से होता है। और भी एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है म्यांमार का मणिपुर में, वो है ड्रग ट्रेड एंड ओपियम कल्टिवेशन। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बारे में आप तो जानते ही होंगे कि कैसे यहीं से ड्रग का बहुत बड़ा सप्लाई होता है। गोल्डन ट्रायंगल जो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के बॉर्डर रीजन को दर्शाता है, दुनिया का एक मेजर ड्रग ट्रैफिकिंग रूट है। म्यांमार से अफीम और हेरोइन की सप्लाई मणिपुर में होते रही है, जो लोकल इंसर्जेंट ग्रुप के लिए फंडिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। कुकी इंसर्जेंट पर ड्रग कल्टिवेशन और स्मगलिंग का आरोप लगते आ रहे हैं, लेकिन इसे कंट्रोल करने में अब तक गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं रही है। मणिपुर के रिमोट एरियाज में ओपियम की खेती होती है, जो इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी को बढ़ावा देती है। म्यांमार से होते हुए ड्रग्स का इलीगल फ्लो मणिपुर के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी खराब करता है। चाइना का इंटरेस्ट ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपना जियोपॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाना चाहता है। हालांकि चाइना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट में अब तक नहीं दिखाई दिया है, लेकिन चाइनीज मेड ड्रोन्स और वेपन्स का प्रोलिफरेशन एक कंसर्न है इस कॉन्फ्लिक्ट में। इंडियन इकोनॉमी के लिए भी यह एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है और यह भारत के लिए साउथ ईस्ट एशिया के रूप में प्रवेश द्वार का काम करता है। साथ ही भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी AEP के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य साउथ ईस्ट एशिया के साथ सांस्कृतिक संबंध, बिजनेस पार्टनर और कनेक्टिविटी विकसित करना है। भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाली ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, जो कि मणिपुर के मोड़े से शुरू होता है और थाईलैंड के मायसोत में ख़त्म होता है। इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से मणिपुर कन्फ्लिक्ट को समझाने की कोशिश की है और बताया है कि कैसे एक तरफ मैतेई कम्युनिटी अपने पॉलिटिकल और लैंड राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, जबकि कुकी और नागा ट्राइब्स को अपने ट्राइबल लैंड और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का चिंता है। आपको क्या लगता है इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।